हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्मार्ट अनलॉक यूट्यूब चैनल। स्मार्ट अनलॉक मीन अपना मोबाइल अपना सॉल्यूशन। स्मार्ट अनलॉक, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए शुरू करें कूलपैड नोट 5 कैसे अनलॉक किया जाता है, पैटर्न अनलॉक और जीमेल बाईपास भी कैसे करना है। मैं ये ट्यूटोरियल में दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, आपको प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाए। तो देखिए, पहले मैंने डिवाइस को ऑन किया, देखिए डिवाइस ऑन हो गए और स्टार्टिंग मेनू में ही पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, अगर अपने पैटर्न भूल गए हो, यानी किसी और ने आपका पैटर्न चेंज कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए बार बार मैं पैटर्न दे रहा हूँ, कोई भी पैटर्न नहीं ले रहा है, रॉन्ग पैटर्न। ट्राई अगेन इन 30 सेकेंड्स। कोई ज़रूरत नहीं, आप फर्स्ट डिवाइस को ऑफ करें। देखिए मैंने पावर ऑफ कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर की एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, तो देखिए, तो ऑन होने के बाद आपको पावर की रिलीव कर देना। तो देखिए फोन अभी रिकवरी मोड में हो और रिकवरी मेनू यहाँ पे आया है, देखिए स्क्रीन में। तो उसके बाद आपको वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रिसेट करना है, सिलेक्ट करना। तो उसके बाद नीचे आइए, यस सिलेक्ट करके पावर की, यानी सिलेक्ट। देखिए डेटा वाइपिंग हो रहा है और नीचे देखिए डेटा वाइपिंग कंप्लीट भी हो गया। बहुत ही फास्ट डिवाइस है ये, 4GB RAM। ठीक है, उसके बाद रिस्टार्ट कर देना। डिवाइस ऑन हो रहा है और तो फ्रेंड्स आपको डिवाइस थोड़ा टाइम लगेंगे, तो ज़रूर वेट करना। अभी मेरे डिवाइस बिल्कुल ब्लैंक है, इसलिए मेरा डिवाइस स्टार्टअप जल्द से जल्द हो रहा है। ये देखिए स्टार्टअप हो गए और उसके बाद एक डी, तो यहाँ पे यस कर देना। देखिए वेलकम मेनू आ गए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखिए आप। पहले तो मैंने सिम कार्ड नहीं इंसर्ट किया है, तो स्किप कर दो और वाईफाई कनेक्ट करना है आपको, क्योंकि हार्ड रिसेट करने के बाद आपको जीमेल वेरीफाई करना है। तो देखिए मेरा वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये वेरीफाई कनेक्ट होने के बाद जो जीमेल वेरिफिकेशन आएंगे, अगर आपको पहले से ही मेंशन किया हुआ जीमेल आईडी मालूम है तो वो मेल आईडी देना, तो आपको तो कोई जीमेल बाईपास यानी FRP बाईपास करना नहीं होगा। अगर आपको नहीं मालूम हो और जीमेल आईडी आप भूल चुके हो,
तो जीमेल बाईपास करना है, तो देखिए थोड़ा आपका पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। देखिए चेकिंग कनेक्शन हो रहा है। अगर डिवाइस में कोई अपडेट हो तो अपडेट हो जाएंगे, यस सर, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट, पहले मेंशन किया मेल आईडी आपको मालूम हो तो कोई बात नहीं, आप या फिर इनपुट कर दो, मेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगे। तो अगर आपको नहीं मालूम हो तो यही प्रोसेस है एक। देखिए कुछ कीवर्ड टाइप करके सिलेक्ट करना है, उसके बाद शेयर, और यहाँ पे आप जीमेल सेलेक्ट करना। देखिए एफ इन्फो आगे, और उसके बाद नोटिफिकेशन। देखिए नोटिफिकेशन ओपन हुआ है, बाद में एफ सेटिंग्स। एफ सेटिंग्स में देखिए राइट हैंड के ऊपर, अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पूरा सेटिंग्स मेनू आ गए, और उसके बाद आप लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में जाना है। एडवांस सेटिंग्स, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है आपको, और एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को इनेबल करना है, एक्टिव करना है आपको। देखिए इनेबल हो गए यहाँ पर, और बैक में आइए, उसके बाद आपको डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करना है मेनू से, सेटिंग्स मेनू से। देखिए मैं अभी फैक्ट्री रीसेट करने जा रहा हूँ। ये देखिए बैकअप एंड फैक्ट्री रीसेट, उसके बाद फैक्ट्री डेटा रीसेट। ये देखिए पहले से मेंशन किया हुआ मेल आईडी, ठीक है, फुल और इरस एवरीथिंग। अब थोड़ा टाइम लगने वाला है, आपको वेट करना है। आपका डिवाइस में बहुत सारे ऐप्स हो तो 5 से 10 मिनट तक लग सकता है पूरे डिवाइस रेडी होने में, तो आपको वेट करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब बटन है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पे, और लाइक करना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट भी करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी आपके कमेंट का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं वाईफाई फिर कनेक्ट किया डिवाइस ऑन होने के बाद, नेक्स्ट। ये देखिए गेट अनदर डिवाइस ऑप्शन आ गए, अब वेरीफाई नहीं आया, ठीक है, तो नो थैंक्स, नेक्स्ट। ये देखिए ऐड योर अकाउंट, अब नया अकाउंट आप मेंशन कर सकते हो अभी, ठीक है, कोई वेरीफाई ऑप्शन नहीं आया, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। स्क्रिप्ट, नेक्स्ट, नॉट नाउ कर दिया मैंने, और उसके बाद नो थैंक्स। तो देखिए डिवाइस पूरी तरफ से अनलॉक हो गए, जीमेल बाईपास भी हो गए, आपका हैंग सॉल्यूशन भी हो गए, और पैटर्न अनलॉक भी हो गए, एक ही साथ मैंने सब कुछ सॉल्यूशन कर दिया। तो फ्रेंड्स ज़रूर मेरे चैनल पे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पे आगे ले जाने के लिए। ये देखिए फोन का कैमरा भी बहुत अच्छा है, 4 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी है इसका, कूलपैड नोट 5, और इसमें सॉफ्टवेयर वर्शन है
मार्शमेलो। ठीक तो फ्रेंड्स देखिए ये मार्शमेलो है, और लास्ट में मैं यही कहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पे, थैंक यू। ভালো থাকবেন।